हमारे बीच में एक रोगी है जो जेपी हॉस्पिटल और महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल में है, सो हड्डी के इलाज के लिए गए थे और वहाँ से इनको निराशा हाथ लगी। हम इनसे भी बातचीत करते हैं, इनकी राय को जानते हैं कि क्या कुछ सोचते हैं स्वास्थ्य बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा सर। मेरा नाम गौरी शंकर है और अपने बारे में इतना ही कह सकते हैं कि हम एक जागरूक नागरिक जी, एक नागरिक जो बिहार का है, सरकार को वोट देकर सरकार बदलता है वो जागरूक जी, हम चीज़ों को बेहतर ढंग से सीखते हैं, समझते हैं और खुद भोगी बनते हैं तो और बेहतर। जब जेपी हॉस्पिटल में गए अपने पैर का इलाज कराने के लिए तो वहाँ आपको क्या महसूस हुआ? गए वहाँ पे तो वहाँ पे एक से डेढ़ घंटा तक हम पड़े रहे स्ट्रेचर पे, ड्यू की वो ट्रॉली की कमी की वजह से एक से डेढ़ घंटा वहाँ इंतजार करते रहे, एम्बुलेंस में पड़े रहे। अंत में किसी तरह इंतजाम हुआ, हम गए तो फिर पड़े रहे जी। डॉक्टर आए, देखे, डॉक्टर वहीं पे दवा दवा करके हड्डी को निचोड़ा जहाँ टूटा हुआ था जी। उन्हें लग रहा था कि हम एक लाइव नहीं है, हम एक ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है जिसे कुछ भी करो। खैर डॉक्टर के फिर एक्सरे गया, एक्सरे में हुआ हमारे पास तो एक्सरे वाला बोलता है क्या सर, देखिए हमारा तो डेढ़ दो लाख का 2 करोड़ की मशीन है लेकिन सर काम नहीं जी, एक बार बाहर से करवा लीजिएगा वहाँ से कुछ कंफर्म हो जाएगा, इसमें कुछ क्लियर पता नहीं जी। ये कह करके हमको घर भेज दिया कि 7 दिन में आपका ठीक हो जाएगा। घर पे हम आते हैं, 7 दिन हर दूसरे दिन मेरा दर्द बढ़ता चला जाता है। हमने कहा जब टैक्स अब रखना था तो डिफरेंस आपको कर लेना था जी, अगर उस रेट से 4 महीना लगता उसको सेट करने में तो आज हम चल चुके होते हैं जी। आपको नहीं लगता डॉक्टर साहब आपने गलत करा है? देखिए आप समझते नहीं, हमारे पास 1000 जिम्मेदारी होगी, आप डॉक्टर इसलिए होगी जी, लेकिन हम कहाँ हैं उसमें, हम आपकी जिम्मेदारी फेलियर में हम हैं। आपको पता है ये गलती से आप रोज़ सुबह नाश्ता करते हैं, बेड पे लेटे लेटे हम खाते पीते सब कुछ करते हैं, मेरी क्या हालत होगी, मेरी दुनिया सिमट के रह गई है क्या? हम पेशेंट है तो हमारा कोई अधिकार नहीं है? अब डॉक्टर है तो सारे मानव अधिकार है, अगर है तो गलत है, हम विरोध। जब ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग देखते हैं कि समाज में व्यवस्था के मारे हुए हैं तो हमें आवाज़ उठाने का हौसला और भी बुलंद हो जाता है। इस सरकार को एक विद्रोही तेवर के पत्रकारिता के साथ उसको आईना दिखाने का हौसला और भी आगे बढ़ जाता है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि हम लोगों ने जो यह प्रयास शुरू किया है, यह प्रयास आपको कैसा लगता है, ये जारी रहना चाहिए? इसको कहते हैं कि लोग सोए हुए हैं आप उसको जगा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको ये भी जज करना हो कि कौन रियल में सोया है, कोई जानबूझ के सोया है। जो रियल में सोया है उसे आप जगा सकते हैं, जानबूझ के सोया है मतलब एक उम्मीद हो कि हाँ कोई है जो मेरी आवाज़ सुन सकता है, आवाज़ पहुँचा सकता है। आपके साथ मेरी शुभकामना है, जिस ऊर्जा के साथ आप कर रहे हो उससे मच बेटर ऊर्जा के साथ आप करें। हर आदमी को लगे कि अगर सवाल पूछे तो, अगर आप सवाल आप पूछ रहे लेकिन लगे उसे कि वो सवाल उसका है। जिस दिन आपका हो गया ट्रंप ही आपकी सुनेगा, बोलेगा सर नहीं स्वागत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।